वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल देवा शेयर्स में। ना आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर आया हूं वो एक बहुत ही भारतीय कंपनी, एक एशियन कंपनी है, जापानीज कंपनी, नोन एज फेदर सेफ्टी रेजर कंपनी लिमिटेड। नाउ दिस कंपनी इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर मेकिंग द शार्पेस्ट ब्लेड्स। मगर जब मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत छानबीन की तो ये बहुत पुरानी कंपनी है, 1932 में सेकी सेफ्टी रेजर के नाम से ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई। 1950s में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था और फेदर सेफ्टी रेजर कंपनी लिमिटेड के नाम से इन्होंने अपने को एस्टैब्लिश किया, रजिस्टर्ड किया। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो ओसाका जापान में है। एंड जैसे ही कहीं ना कहीं वो मेड इन जापान वर्ड आता है, एक्जीबिट प्रोडक्ट में लिखा होता है, डिस्क्राइब किया होता है मेड इन जापान, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी कम प्राइस में हमको मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई जैपनीज कंपनीज दे हैव रूल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो शेविंग की दुनिया में काफी अच्छा नाम है, स्पेशली ब्लेड्स के मामले में। और जितने भी शेविंग फोरम्स, जितने भी मैंने ब्लॉग्स पढ़े हैं, उसमें शार्पनेस के मामले में इस ब्लेड को हमेशा अव्वल नंबर, पहला नंबर दिया जाता है। तो आज कुछ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये कंपनी जो है शेविंग इक्विपमेंट्स तो बनाती है, साथ में बेहतरीन क्लिनिकल इक्विपमेंट्स जो है, मेडिकल क्लिनिकल इक्विपमेंट्स बनाती है, स्पेशली स्केलपल्स और नाइफ्स। तो लेट मी डेमोंस्ट्रेट द प्रोडक्ट फर्स्ट। सो ब्लेड इसी कंपनी का बबल पैक में आया है जिसको मैंने निकाल दिया है और इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में आता है। दिस इज नोन एज फेदर पॉपुलर ट्विस्ट टू ओपन, जिसको हम TTO सेफ्टी रेजर भी बोलते हैं, या बटरफ्लाई ओपन सेफ्टी रेजर। So you can see this is feather popular razor twist to open butterfly open razor hai, you can see clearly, I hope aapko ye dikh raha ho। Now in razors ke sath achhi khasi baat kya hoti hai ki ye 3 piece 2 piece razor nahi hote, to blade load karne mein badi aasani hoti hai। Bhale blade uthaiye yahan pe is notch mein usko fit kar dijiye और ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक करके आप उसको स्क्रू अनस्क्रू करके ब्लेड निकाल सकते हैं। बट हाँ, इनके साथ एक और चीज भी है, क्योंकि इसमें अलग अलग नीचे लिवर्स होते हैं, शायद कुछ हल्के छोटे शायद गियर्स होते हैं, मैंने कभी खोल के देखा नहीं है, तो इनको बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये गिर जाते हैं हाथ से तो इनका जो सिस्टम है वो गड़बड़ या खराब हो सकता है। तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। बट बटरफ्लाई ओपन रेजर्स जो है, ऐसा माना जाता है कि डी शेविंग या जो डबल एच रेजर्स की शुरुआती दौर में ये बहुत पॉपुलर हुआ करते थे और आज भी हैं कंपेयर टू टू और थ्री पीस रेजर्स। तो अच्छा खासा लंबा इसका हैंडल है, ग्रिपिंग के लिए इसमें नर्निंग दी गई है, एबीएस प्लास्टिक का बना हुआ, ये इनफैक्ट आई शुड से एबीएस रेजिन का बना हुआ हैंडल है, ब्लैक कलर का, और ऊपर ये स्टील है शायद। टोटल लेंथ जो है 4.5 इंचेस की है और वेट इतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू द मेटालिक सेफ्टी रेजर्स। वेट मेरे हिसाब से ये 70-75 ग्राम का होगा, 70-75 ग्राम का रेजर है। बट यस, इट हैज गॉट वेरी गुड ग्रिपिंग, लेंथ बहुत अच्छी है। एंड ऑफ कोर्स आई एम यूजिंग लेजेंडरी फेदर ब्लेड्स, फेदर हाई स्टेनलेस डबल एच ब्लेड्स। इस रेजर के साथ दो सेफ्टी ब्लेड्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो कि इस केस में आए हैं, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूं। सो दीज आर फेदर ब्लेड्स, देखिए अगर हम जापान की बात करें तो आपने जरूर, अगर उसकी हिस्ट्री आपने जापान की पढ़ी है या कुछ मूवीज आपने देखी, पहले ये ब्लेड देख लीजिए ना, ऐसा बताया जाता है कि ये सबसे शार्पेस्ट ब्लेड है, वन ऑफ द शार्पेस्ट ब्लेड इन द वर्ल्ड। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्स्ट्रा कॉशियस। एक फेदर बनाया उस पर, लोगो सिंबल इनका एक फेदर है,
सो दिस इज द ब्रेड। तो मैं बात कर रहा था कुछ जैपनीज हिस्ट्री की। तो जैपनीज आर नोन वर नोन फॉर देयर यू नो फाइटर्स वॉरियर्स जो है, वहां पे कई ट्राइब्स थी, आपने नाम सुना होगा सैमुराई, निंजा, रोनिन। तो अगर इनके बारे में आप अगर जानोगे तो उनके जो वेपन्स होते थे, जो यू नो उनके आर्टिफैक्ट्स होते थे जिनसे वो लड़ते थे, ज्यादा वो स्वॉर्ड्स होती थी, तलवारें होती थी। और जैसे सैमुराई फाइटिंग में सैमुराई फाइटर्स या सैमुराई वॉरियर्स जो थे वो यूज करते थे एक लेजेंडरी स्वॉर्ड जिसका नाम है कटाना, और उसी का एक छोटा वर्जन होता था। कटाना शायद इतनी लंबी होती थी और उसी के छोटा जो होता था, छोटी तलवार जो होती थी उसको बाकी चाशी बोलते थे वो। और ये जो है चॉपिंग के लिए नहीं बनाई जाती थी, दे वर मेड फॉर स्लाइसिंग। युद्ध में बस वो एक धार गले में पड़ी एंड इट शुड बी स्लाइस्ड आउट, हाथ में पड़ी तो कट जाना चाहिए। तो इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी आज से 400-500 साल पहले लोग यूज करते थे। जैपनीज हैव लेजेंडरी यू नो एज टेक्नोलॉजी फॉर दिस स्वॉर्ड्स। अब 19th सेंचुरी आते आते तक वहां की जो गवर्नमेंट थी, जो राजा थे, उन्होंने इस तरह की स्वॉर्ड्स को बैन कर दिया था। वो केवल घर में रखने के लिए या शोकेस के लिए बनाई जाती थी, वॉरिंग और जो लड़ाई युद्ध के लिए उन्होंने बंद कर दी थी। और बाद में फिर जापानीज लोगों ने उस पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किया अपने नाइफ्स बनाने के लिए। आज भी जापानीज आर नोन फॉर प्रिसीजन नाइफ्स, स्पेशली कटलरी में आपने नाम सुना होगा। और ये जो है कहीं ना कहीं एक धरोहर है जो उस समय की 400, 500, 600 साल पुरानी जो वॉरियर टेक्नोलॉजी थी और वो जो शार्पनेस उनकी एजेस में होती थी स्वॉर्ड्स की, वो शायद फेदर ने हमको देने की कोशिश की है। और आज भी ये टेक्नोलॉजी बड़ी गुपचुप रखी जाती है, करेक्ट। अलग अलग तरह के स्टील यूज किए जाते हैं, उस पर कार्बन ऐड किया जाता है, कार्बन स्टील होता है, उसकी फोर्जिंग की जाती है और उसकी एजेस के ऊपर। और ये बड़ा सीक्रेटिव है क्योंकि वेस्ट में जाओगे तो विल्किंसन स्वॉर्ड, जिलेट, इन लोगों की अपनी खुद की टेक्नोलॉजी है। और ईस्ट में अगर हम जापान में जाओगे तो ये लोग अपना अलग स्टाइल से बनाते हैं। मगर हाँ, ओवरऑल मैंने आज तक जितनी बार भी फेदर ब्लेड्स यूज किए हैं उसमें ये मेरे को सबसे शार्पेस्ट लगे हैं। स्मूथनेस के मामले में मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये इतने स्मूथ नहीं होते कंपेयर टू द अदर, बट व्हेन इट कम्स टू शार्पनेस दे आर ऑफकोर्स अव्वल नंबर, टॉप नॉच। सो दीज आर समथिंग अबाउट, मैंने आपको कुछ ट्राई किया, कुछ हिस्ट्री बताने की कोशिश की इस कंपनी की फेदर कॉर्पोरेशन, एंड दे हैव देयर ओन R&D फैसिलिटीज और ये जबरदस्त जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैपनीज आर एक्सट्रीमली रिलायबल, नो डाउट अबाउट दैट। ओके फाइन, इनफ ऑफ ट्राइबिया एंड हिस्ट्री। नाउ आई एम गोइंग टू यूज ट्राइड एंड टेस्टेड ट्राइगोडोन शेविंग सोप, भारतीय कंपनी वाइल्ड सीड्स। तो आप देख सकते हो मैंने काफी इस्तेमाल किया है इसको, मगर अभी भी ये 6-7 महीने टिक जाएगी। जिस तरह से मेरा सोप का कलेक्शन बढ़ रहा है अभी, तो ये 6-7 महीने तो लगेंगे इसको खत्म होने में। एंड हजामत वुडन शेविंग ब्रश, यह मेरे को अभी मजा आ गया तो आज मैं इसी को फिर से यूज करूंगा। लेट्स सी हाउ इट क्रिएट्स लादर इन द शेविंग बोल। अभी तक मैंने इसको यू नो डायरेक्ट अप्लाई किया है, मगर आज शेविंग बोर्ड में हम लादर क्रिएट करेंगे इसको। चलिए लेट मी टक इन माय कॉलर। तो आज मैं भी सामुराई फाइटर बन जाता हूं। शेविंग बोल, ट्राइगोडोन सोप्स की एक साथ बहुत अच्छी बात ये लगी कि इसमें जो फैटी मैटर है वो ऑलमोस्ट 75-80% है। तो इसके साथ शेविंग करें अगर हम स्पेशली समर्स में, तो आफ्टर शेव बाम या इस तरह से जो सूदिंग एजेंट्स होते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इट इज ऑलरेडी हैवीली फोर्टिफाइड विथ एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी ऑयल्स और बहुत ही सटल और बड़ी लाइट जेंटल स्मेल है इसकी। सो आई हैव कलेक्टेड द सोप ऑन माय ब्रश। लेट्स विप आउट लेदर, विप अप द लेदर
और देखिए इसने अपना काम शुरू कर दिया। तो एक अच्छे शेविंग सोप की एक खासियत होती है कि फैट कंटेंट बहुत अच्छा होता है, उसमें ऑयल्स ए ग्रेड के होते हैं और लादरिंग फटाफट करने लगते हैं। 30-40 सेकंड आप उसको अच्छे से घुमाइए अपने शेविंग बोल में। आपके घर में इस तरह के बोल्स होंगे, आप उनको यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक बोल भी यूज कर सकते हैं। गर्मी बहुत है भाई, इट्स एक्सट्रीमली हॉट, बाथरूम जो भी अभी तप रहा है, मगर एक्साइटमेंट पूरा 100% है क्योंकि शेविंग का मामला है। सो यू कैन सी बहुत कम समय में बहुत ही अच्छा एक वॉल्यूमिनस स्लिक लादर क्रिएट हो गया है। वाह, सो दैट्स इट, माय व्हिपिंग इज कंप्लीट। देखिए अच्छा, अगर आप ब्रश यूज करोगे तो उसमें जो ब्रिसल्स होते हैं उसके अंदर जो एयर भरी होती है, थोड़ा सा पानी होता है, वो एयर जो होती है वो जब आप व्हिप करते हो तो वो एयर जो है वो उसको आपके लादर में करेक्ट एंटर करने देती है, और आप व्हिप करते रहते हो और सडनली वो जो है लादर फूलने लगता है, बाहर आने लगता है, और उसकी स्लिकनेस काफी हद तक डिपेंड कर जाती है उसमें यूज किए गए ऑयल से, तो जिससे कि वो आपको रिजल्ट लाइट करने में मजा आता है। कई बार वो एक्सपीरियंस हमको जो शेविंग क्रीम्स होती हैं उसमें नहीं मिल पाता, जो ट्यूब वाली जो 40-50-60 रुपीस की आती है उसमें वो शायद जो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, ज्यादातर वो केमिकल्स यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो SLS जिसको हम बोलते हैं, सोडियम लॉरेथ सल्फेट, तो वो जो है एक लादर मेकिंग एजेंट होता है जिसके थ्रू वो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। मगर ये जो लोग होते हैं ये ज्यादातर जो है इस तरह की कंपनी जो कि थोड़ी हाई ग्रेड के सोप्स बनाती है वो SLS या पैराबेंस जिनको कहते हैं वो यूज नहीं करते, तो ये नेचुरल फोमिंग एजेंट होते हैं, तो इसका जो एक मजा एक अलग लेवल का होता है। अदरवाइज देखेंगे आपको तो फोम्स में बहुत आपको फर्क नहीं लगेगा। चलिए मेरी बकबक से बाहर निकले और आई होप यू एंजॉय माय बकबक। मैंने ऑलरेडी अपने चेहरे को धो रखा है हल्के से गर्म पानी से, सो लेट मी लोड द ब्लेड इन इट। सिंपल है, कुछ करना नहीं है, आपने ब्लेड लोड कर दिया और बहुत ज्यादा नहीं कसना है इसको आपको बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं इसका ब्लेड अलाइनमेंट, यस इसमें भी ब्लेड ओवरहैंग है, थोड़ा सा ब्लेड जो है प्रोट्यूड आउट हो रखा है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ब्लेड कैप जो है मेरे को काफी कम नजर आ रहा है। लेट्स सी इसका परफॉर्मेंस आज कैसा रहता है। इस ब्रश को देखते पहली नजर में प्यार हो जाता है, इतना क्लासी इसका हैंडल है कि ऊपर का परफॉर्मेंस पता नहीं, मगर आप जरूर अपनी शेविंग डन में इसको रखना चाहोगे। यस, तो क्यूडोस टू यू हजामत टीम।
Let's start. First pass as usual with the grain. Angle of attack. देखिए कई बार हम जो ब्लेड होते हैं उसके प्रति एक लाइकिंग डिसलाइकिंग बना लेते हैं, ये मेरे साथ भी हो रहा है क्योंकि YouTube वीडियोस, शेविंग ब्लॉग्स, तो उसको जो लिखने वाले या उसमें मेरे जैसे बोलने वाले वो अपने व्यूज बता रहे होते हैं कि यार ये ब्लेड में मजा नहीं है, यह ब्लेड बहुत अच्छा है, और उनके व्यूज को सुन के हम उनको परचेज करते हैं या कई बार वो अवेलेबल नहीं होते लोकली, इंटरनेशनली अवेलेबल होते हैं तो उनको बड़ा महंगा प्राइस देके हम ऑर्डर कर देते हैं, और फिर हमको लगता है यार ये जो यूट्यूबर है या ये जो ब्लॉगर है ये जो कह रहा था उस ब्लेड के बारे में कि एकदम बेकार है, मगर यार ये तो अच्छा लग रहा है। और कई बार होता है कि हम बहुत तारीफों में फंसे होते हैं और फिर जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमको लगता है ये उस लेवल का नहीं है, शायद महाशय ने ज़्यादा ही उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। तो इसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जॉय क्वाड्रास ने अपने एक चैनल में बोला था, एक वीडियो में सॉरी बोला था कि इट मे डिपेंड अपॉन वो बैच जो है फैक्ट्री से पास हुआ हो, वो पूरा गड़बड़ हो, वो ब्लेड्स की जो उसमें जो उसकी जो शार्पनेस है वो कहीं ना कहीं टेम्पर हो गई हो, वो लेवल की नहीं हुई हो, तो कभी कभी बैचेस जो है गड़बड़ हो जाते हैं। मेरे साथ भी हुआ ऐसा, मैंने एक बार बहुत सारे परमाशा ब्रेड जिलेट के जो ग्रीन आते हैं वो ऑर्डर कर दिए थे और वो पूरे के पूरे 100-150 ब्रेड आ गए मेरे पास और मैंने पहला टक ही ख़त्म नहीं किया उसका। उसका एक रीज़न था कि वो उतने शार्प नहीं थे, मगर हाल ही में मैंने एक परमाशा ब्रेड को यूज़ किया तो मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये भी होता है, तो हम इतने जल्दी जजमेंटल ना हो जाए और धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस लेते हो इन ब्लेड के साथ तो आपको पता लगता है कि हकीकत क्या है। सो माय फर्स्ट पास इज ओवर, बहुत ही माइल्ड है ये, मेरी लाइकिंग के हिसाब से ये जो रेजर है बड़ा ही माइल्ड चल रहा है, इट्स नॉट एट ऑल एग्रेसिव फॉर मी, आई प्रेफर अ लिटिल बिट मोर एग्रेसिव रेजर, बट यस ब्लेड इज अल्ट्रा शार्प, नो डाउट अबाउट दैट। Second pass across the grain. क्योंकि ब्लेड गैप काफी कम है इस रेजर में तो ये अग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। अग्रेसिव के मामले में अगर पूछो सर आप इसको कितना पॉइंट दोगे तो आउट ऑफ 10 आई विल रेट इट 4। सो बिगनर्स जो हैं वो डेफिनेटली इस रेजर से अपनी वेट शेविंग की शुरुआत कर सकते हैं, मगर मेरी एडवाइस एक और भी है, बिगनर्स को फैदर रेजर के साथ शुरुआत अवॉइड करनी चाहिए। आप शुरुआत करो तो विल्किंसन सोर्ड, सुपरमैक्स या टोपास के आते हैं प्लैटिनम, वो टोपास के भी दो आते हैं, एक गोल्डन पैक में आते हैं, वो बिल्कुल यूज मत करिएगा,
उस पर कोई कमेंट भी नहीं करूंगा मैं, वो इस लायक ही नहीं कि उनके बारे में रिव्यू दिया जाए, मगर टोपाज के सुपर प्लेटिनम जो आते हैं बहुत अच्छे प्लेट्स हैं, अच्छे हैं, उनके रिव्यू मैं दूंगा आपको। इनफैक्ट मेरे फादर अपने ज़माने में टोपाज ही यूज़ करते थे और उनकी क्रीम होती थी गोदरेज की। यस, एक्सीलेंट, आई विल रेट इट बेटर इन बिटवीन अभी तक। तो डेफिनेटली मेरी जो बियर्ड थी एक ही दिन पुरानी थी, कल सुबह ही मैंने मॉर्निंग में शेव की थी। तो नॉर्मली मैं दो पास में सेटिस्फाई हो जाता हूँ, मगर आई विल गो फॉर अनदर पास नाउ, फाइनल पास। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को एक मेल लिखा और उसमें लिखा कि सर आप लोग इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हो, हम तो इतना अभी कमाने वाली स्टेज में ही नहीं है कि तो डीवी शेयरिंग तो यार बड़ी महंगी है ऐसे देखा जाए। तो मैंने उसको कहा भैया ये बिल्कुल गलत फहमी है, अगर हमारे इन वीडियोज से आपके माइंड में ये मैसेज जा रहा है तो भाई आई एम सॉरी फॉर इट, बट ऐसा कतई नहीं है। आप कम से कम रेट में बहुत ही अच्छे तरह से आप शेविंग कर सकते हो। मैंने एक इस तरह का एक वीडियो डाला भी था, शायद व्लॉग नंबर 2 या 3 था वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो क्या होता है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और अपने को एक्सपोज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल इंटरनेशनल प्रोडक्ट के साथ। ये मतलब ही नहीं कि आप इन्हीं को खरीद के अच्छे शेव कर सकते हो, ये मैं बार बार कहूँगा, इट्स ऑल इन द माइंड सेट। हाँ, इक्विपमेंट्स अगर आप परचेज करो तो, क्योंकि ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये कोई मल्टी कार्ट्रिज सिस्टम या मल्टी ब्लेड सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे आपने एक रेजर खरीद लिया फिर आप इन्वेस्ट करो, बड़े महंगे होते हैं ब्लेड्स। यहाँ पे तो ब्लेड बड़े सस्ते होते हैं भाई, आपको 21 से 25 रुपए में आपको 10 का वो मिल जाएगा महीने भर की आपूर्ति। महीने क्या, अगर आप नॉर्मल आराम आराम से कर रहे हो तो 2-2 महीने चलता है वो। कंपेयर टू दैट यू नो मल्टी ब्लेड्स ब्लेड्स तो मल्टी ब्लेड सिस्टम दे आर वेरी कॉस्टली। तो लॉन्ग रन में जो है ये अपना पूरा पूरा, और ये अगर आप अच्छे से रखते हो इक्विपमेंट्स को तो आने वाली जनरेशन को भी दे सकते हो बाद में। और मैं अभी भी सर्च करता हूँ, मैं अभी भी अपने नाना जी का वो रिजर्व मिस करता हूँ, कहाँ गया पता नहीं, वो जिलेट का था किसका था शायद, मगर मैं कभी कभी जाता हूँ अपने पुराने घर में देहरादून में, तो मैं ढूंढता हूँ, मिलता नहीं मेरे को, शायद नहीं रखता मैं उसको अपने पास एज अ यू नो धरोहर, एक लीगेसी। तो ये होते हैं वो प्रोडक्ट्स। आज भी जो पुराने 60s 50s 30s के जमाने के रिजर्व हैं उनकी बड़ी अच्छी कीमत है और लोग उनको कलेक्ट करते हैं। अब वो सब चीज़ें करने के लिए एक सरक पना चाहिए, एंड व्हेन इट कम टू शेविंग आई एम सर्टिफाइड सम की। चलिए फाइनल पास, ब्लेड लाजवाब है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं गर्मी इतनी है कि पसीना आ रहा है और जो फोम है वो अब बहने लगा है। रेजर हैंडल की लेंथ अच्छी है, ग्रिप भी अच्छी है, ठीक ठाक है, हल्का है,
देखिए कभी कभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस तरह के शेविंग वीडियोस या ब्लॉग्स पढ़ के, और उनको लगता है कि जो रिव्यू देने वाला है वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है। ब्लेड्स अगर ये हैं तो यही बेस्ट हैं, वो महंगे भी होते हैं, हम उनको ऑर्डर भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने स्वदेशी ब्लेड्स में भी उसी तरह का सेटिस्फेक्शन पा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप फैदर के आज ही आप ऑर्डर कर दो, शार्पेस्ट हैं नो डाउट, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये बेस्ट हैं। और जो हमारे जो लोकल अवेलेबल ब्लेड्स हैं वो भी बेहतरीन है, जैसे विल्कनसन सोड है या फिर सुपर मैक्स हैं, वो आपको काफ़ी हद तक सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ, ये इनकी लॉन्गेविटी शायद ज़्यादा हो सकती है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि मैंने एक बार एक जिरेट 7 o'clock पामर शॉप ब्लेड ऑर्डर किए थे, काफ़ी सारे आ गए वो 100 के करीब, और वो लॉट ही शायद ख़राब था, बैच पूरा ख़राब था, पहला टकी मैंने ख़त्म नहीं किया, वो काफ़ी निक्स दे रहा था मेरे को, स्पेशली जो टफर स्पॉट्स होते हैं। तो मैंने मान लिया कि यार ये तो बिल्कुल ही ब्लेड है, अब तो मैं जिंदगी भर यूज़ नहीं करूँगा, और ऐसा मैंने शायद कहा भी था आपको किसी पहले अपने व्लॉग में। मगर हाल ही में जब मैंने उसको यूज़ किया तो मेरे को काफ़ी कुछ बेहतर या पहले से काफ़ी ठीक लगा। तो कई बार ज़रूरी नहीं होता कि वो कंपनियाँ जो हैं वो जानबूझ के ऐसा कर रही हैं भैया, वो कभी कभी क्या होता है वो बैच या लॉट भी ख़राब हो सकता है। तो आप अपने आप धीरे धीरे यूज़ करिए इसको। सो मेरा जो मोबाइल है वो देखिए, ये गर्मी की वजह से इसका सक्शन जो है कम हो गया इसका माउंट का, इट्स डैम हॉट टुडे एंड वेरी ह्यूमिड। पसीने पसीने हो रहा हूँ मैं, तो इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं आज कोई भी आफ्टर शेव लोशन या बाम नहीं यूज़ करूँगा, ट्राइड एंड टेस्टेड एलम। परफेक्ट एस्ट्रिंजेंट, thoroughly satisfied with my today's shave, excellent blade, no doubt about that. So Feather Popular TTO twist to open razor, और इनको butterfly open razor भी कहते हैं, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। Very light, long handle, easy grip. Beginners can start with it, no doubt about that. इसका aggressive level 3 या 4 दूंगा मैं 10 में से। Legendary blade, feather, very sharp. Caution, handle with care. Trivadon Wild Seas shaving soap, superb quality, and as usual हजामत ने कर दी कयामत, बहुत ही जबरदस्त ये ब्रश है। ये ब्रश मेरे को इसलिए भी पसंद आया, लैदरिंग कैपेबिलिटी तो चलो अलग की बात है, मगर ये देखने में इतना सुंदर है कि आप इसको डेफिनेटली अपने जितने भी प्रीमियम शेविंग ब्रशेज हैं आपके शेविंग डैम में रखे हुए या आपका जो शेल्फ है वहां पे इसको जरूर रखना चाहोगे। तो हैट्स ऑफ टू यू हजामत, बहुत ही बेहतरीन और बहुत सुंदर आपने ये ब्रश बनाया है। एंड ऑफ कोर्स अपनी देसी एलम, सो नो शेविंग बाम, नो शेविंग आफ्टर शेव लोशन।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय टुडे शेविंग. इसी तरह से शेविंग करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, कुछ बड़ा सोचिए, अपने गोल्स की तरफ फोकस रहिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, स्पेशली योर पेरेंट्स. दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे टुडे. दैट्स इट. बाय बाय. वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो.